आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। हम आए हुए हैं दातागंज विधानसभा पे। 2022 से इलेक्शन जो नज़दीक आता जा रहा है, उसकी क्या तैयारियाँ चल रही हैं, कौन मुख्यमंत्री होगा उत्तर प्रदेश का, आइए हम जानकारी लेते हैं। चीज क्या नाम है आपका? जी सर, मंटू कुमार यादव। जय यो, 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारी हुई, आप किसको मुख्यमंत्री रूप में देखना चाहेंगे? जी सर, मैं तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी को ही देखना चाहूँगा और किसी को नहीं। योगी सरकार में जो कारनामे हो रहे हैं, 4.5 साल पूरे हो गए, उन्होंने भी विकास कराया था, अब योगी सरकार क्यों नहीं? हाँ, कराया तो है, देखा है मैंने भी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया है और ये भी आगरा एक्सप्रेसवे बनवाए थे, जिसमें केवल 38 किलोमीटर का फैसला है, जिसमें अखिलेश यादव की सरकार में 11.5 करोड़ का बजट आई थी, 1100 करोड़ की, 1150 करोड़ की बजट आई थी, और योगी सरकार में 2250 करोड़ की बजट। अब बताइए 38 किलोमीटर में इतना आएगा कहीं? ये जो महंगाई होती जा रही, इसमें आप क्या कहेंगे? महंगाई तो हम कहेंगे क्या, अब महंगाई तो सब देख रहे हैं, महंगाई मत पूछिए। अच्छा, आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं? हम तो प्रॉपर बलिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। बलिया डिस्ट्रिक्ट है, अभी आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट बदायूं में आए हुए हैं, आप किस मकसद से आए हैं, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं आप? हम अभी तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अलापुर बदायूं से इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। अच्छा, आप इतनी दूर से आए हुए हैं, फिर भी तो आपको थोड़ा बहुत महंगाई में कुछ तो फ़र्क दिखा होगा। महंगाई और क्या, ऐसे जैसे सरसों का तेल हो रहा है, सरसों का तेल 200 रुपये, जो 100 रुपये के जी था जब मैंने फर्स्ट ईयर में आया था तो 100 रुपये के जी दे रहा था, मिल रहा था, और जब अब थर्ड ईयर में आ गए तो 200 रुपये के जी। अब यही सोचिए, यानी दोगुना डायरेक्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज उपाध्याय है। आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं अभी इस टाइम राजकीय पॉलिटेक्निक अलापुर बदायूं से इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा कर रहा हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम इलाहाबाद से। जो आप यहाँ से पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें आपको योगी सरकार में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या क्या आप सुविधाओं से संतुष्ट हैं? सुविधाएं क्या मिल रही हैं, सरकारी के नाम पे केवल लूटा जा रहा है। 11,000 फीस है यहाँ की वार्षिक, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना प्रैक्टिकल होता है ना कुछ भी, और जबकि सामान सब अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे कुछ होता नहीं है कॉलेज में इस सरकार में। तो आने वाले 2022 में जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप किसकी सरकार चाहेंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जो कि पहले रह चुके हैं, उन्होंने बनाया है। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम शानू सिद्दीकी, मैं उजानी का रहने वाला हूं। अच्छा, जो 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, इसमें आप किसकी सरकार चाहेंगे? जी, मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार। योगी जी की क्यों नहीं? योगी जी की सरकार में क्या हुआ विपक्ष के अंदर? जैसे कोई भी देखो, ये सिलेंडर बांटे गए हैं, चलो मैंने मान लिया, लेकिन अब तो उस चीज़ की सब्सिडी ही आना बंद हो गई, उससे डबल वसूला जा रहा है। 400 का सिलेंडर था, आज 950 रुपये का सिलेंडर है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और। योगी सरकार में जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? इसका कहना क्या है कि गरीब तो और ही ज़्यादा मतलब परेशान है, बहुत ही ज़्यादा महामारी तो डबल होती जा रही है, डबल अभी भी चौथी लहर कोरोना की दिखा रहे हैं कि सावधानी बरतनी चाहिए, पर ये इलेक्शन का टाइम है, कोई सावधानी नहीं होगी अभी तो। आज हम आए हुए हैं दातागंज विधानसभा पे, 2022 का जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में हम ये जानेंगे जनता की राय कि विधानसभा इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी और किसका मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। आइए हम बात करते हैं चाय पे चर्चा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अकील। 2022 में जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप किसकी सरकार चाहेंगे? अखिलेश यादव की। योगी की क्यों नहीं? क्यों नहीं, हमारे यहाँ वो नहीं है ज़्यादा। योगी ने 4.5 साल पूरे हो गए, आपको योगी सरकार का कौन सा कार्यकाल अच्छा लगा? हमें कोई कार्यकाल अच्छा नहीं लगा है, लेकिन योगी ने कार्य तो बहुत अच्छे अच्छे किए थे। किए हैं, लोगों के लिए किए हैं, और हमारे लिए कुछ नहीं किए। फल दुकानें बंद रही हैं हमारी, लॉकडाउन परेशानी बढ़ी है, तो हमें वो नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना भी तो चलाई थी योगी जी ने, वो हमें कुछ भी ना मिला है। आपने फार्म नहीं भरा था? फार्म भरा, रद्द हो गया हमारा। रद्द क्यों हो गया? पता नहीं, ऊपर जाके लौट के कार्रवाई लौट के नहीं। प्रधानमंत्री आवास में आपने फार्म डाला था, आपका रद्द हो गया?
पैसे भी ले लिए और नाम भी नहीं आया ना कोई पैसा अभी तक मिला। 3,000 रुपये लेखपाल ले जा चुके। अच्छा, लेखपाल ने 3,000 रुपये किस बात के लिए थे आपसे? ये फार्म पास करवा देंगे, पैसा आपको निकलवा देंगे हम। लेकिन जो फार्म प्रधानमंत्री आवास योजना के हो रहे हैं ये तो डायरेक्ट डूडा कार्यालय से हो रहे हैं, फिर आपने लेखपाल को 3,000 रुपये क्यों दिए? लेखपालों ने ही लिए सर्वे करने के लिए, बोले हम निकलवाएंगे पैसा वरना पैसा नहीं आएगा। अच्छा, आपने फार्म किसी मेंबर को दिया था या नगर पंचायत में जमा किया था? ये लेखपाल ही ले गया था। लेखपाल ले गए थे। मेंबर कौन है आपके? अल्ताफ। अल्ताफ, क्या नाम है आपका? अखिलेश यादव। क्या करते हैं आप? हम डिप्लोमा करते हैं। किस चीज़ का? पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल ब्रांच। अच्छा, जो 2022 में मुख्यमंत्री सरकार विधानसभा चुनाव हो रहा है इसमें आप किसकी सरकार चाहेंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, अच्छा, बीजेपी की क्यों नहीं? क्योंकि वो हर विभाग प्राइवेट कर रही है। अच्छा, हर विभाग प्राइवेट कर रही है, जैसे UPPCL हो गया, रेलवे हो गया, हर कंपनी बेच रही हो, प्राइवेटाइजेशन कर रही है हर चीज़, उससे बहुत दिक्कत है लड़कों। अच्छा, आपको पढ़ाई में कोई लाभ? किससे लाभ? पढ़ाई में आपको कोई दिक्कत या परेशानी? बहुत दिक्कत, हर चीज़ महंगी हो रही है, गैस से लेकर किताबें बुक सब कुछ। क्या नाम है आपका? आसिफ हुसैन। ये 2022 का चुनाव आ रहा है इसमें आप किसकी सरकार चाहेंगे? अगर आजम खां बाहर आते हैं तो हम समाजवादी को लड़ाएंगे, अगर आजम खां बाहर नहीं आते हैं तो हम ओबीसी को लड़ाएंगे। अच्छा, बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम करा है, लॉकडाउन लगवाया है, नोटबंदी और दिक्कतों में बहुत ज़्यादा परेशान है, कारोबार को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। बीजेपी सरकार में लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का भी तो लाभ मिला था? वो तो कोई अपनी जेब से थोड़ी ना दिया, सरकार का मामला है, टैक्स जा रहा है, टैक्स हम दे रहे हैं, लौट फेर का हमारा ही आ रहा है। लोगों का ये कहना है कि 2000 विधानसभा चुनाव जो आ रहा है उसमें हमने कई लोगों की राय ली थी, सब बीजेपी सरकार के अच्छे कारोबार कराए हैं, सड़कें बनवाई हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? सड़कें कहीं नहीं बनवाई हैं, देख लें आप, गड्ढे हैं ये। तो आप बीजेपी सरकार चाह रहे हैं सपा? हम चाह रहे हैं अगर आजम खान आते हैं बाहर तो सपा जा रहे हैं, वैसे हम वैसे को लड़ाएंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मनोज यादव। मनोज यादव, 2022 में आप किसकी सरकार चाहेंगे? हम तो अखिलेश भैया की सरकार चाह रहे हैं। बीजेपी की क्यों नहीं? बीजेपी ने कुछ हमारे साथ किया ही नहीं है। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप पढ़ाई करते हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने बहुत कार्यकाल अच्छा किया था, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया था, शौचालय दिए थे। नहीं, आवास से हमारे कोई हमारी पढ़ाई में क्या है? देखो तो लॉकडाउन की वजह हमारी सब पढ़ाई नष्ट हो रही है, क्या हो रहा है? हमारी अखिलेश भैया की सरकार में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कभी। अच्छा, तो आपको पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है? कुछ हो ही नहीं रहा पढ़ाई में, क्या हो रहा है? लॉकडाउन चल रहा है कॉलेज में। साढ़े 4 साल पूरे हो चुके, आज हम कस्ता विधानसभा के बेजम कस्बे में मौजूद, आइए बात करते हैं, यहाँ पर किराना व्यवसायी है, उनसे बात करते हैं कि कैसे रहे उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल और आगे क्या रणनीति है लोगों की, कैसे रहे उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल? भैया जो है महंगाई बहुत बढ़ गई, जनता में लोग जो है व्यापारी बहुत जो परेशान रहे हैं और अच्छा समय नहीं गुजार। उत्तर प्रदेश सरकार के जो 4.5 साल है उसमें कैसा व्यवसाय रहा आपका, क्या नफा या नुकसान? भैया नुकसान हुआ है, नफा नहीं हुआ, महंगाई बहुत। तो देखिए कि यहाँ पे जो किराना व्यवसायी है उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल है उसमें जो किराना व्यवसाय उनका नफा के तौर पर कुछ नहीं, नुकसान ही हुआ है। आइए और भी ग्राहक हैं उनसे हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या लोगों की रणनीति, आगे विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, क्या विधानसभा में किस तरह से वोटिंग करेंगे, किस पार्टी को लेकर वोटिंग करेंगे, क्या इनकी रणनीति है, क्या नाम है आपका, क्या आगे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या उसमें किस तरीके से वोटिंग होगी, क्या विचार है आपका? मेरी तरफ से तो ऐसा है कि भाजपा ने अच्छा काम किया और योगी जी ने भी, और उम्मीद करते हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी। 4 साल पूरे हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से काम कर रही है और आगे किया गया है, आइए बात करते हैं, लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से लोग वोट करेंगे, किस पार्टी का वर्चस्व सामने आता है, देखेंगे कि कौन कौन से लोग किस पार्टी को वोट करेंगे। जो विधानसभा चुनाव आने वाला है वो किस तरीके से चुनाव होगा, किसके पाले में ज़्यादा वोट जाएंगे, कौन सी पार्टी का वर्चस्व दिख रहा है, ये तो हम बता सकते हैं। जैसे कि जो भाजपा कर रही है उस हिसाब से हम बता सकते हैं। अभी 18 में हमारा फॉर्म निकला था, उसका फॉर्म अभी तक पेपर नहीं हुआ है, तो अभी भाजपा तो पेपर करवा नहीं रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं भाजपा आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का चुनाव है उसमें किस तरीके से वोट करेंगे, मान लीजिए कि पेपर जो नहीं हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे?
तो हम जो पेपर हो जाएगा तब देखेंगे, अभी तो पेपर हुआ नहीं है। वैसे भाजपा तो कुछ कर नहीं रही है हमारे हिसाब से। क्या नाम है आपका? आशीष वर्मा। क्या विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या आपके विचार हैं? हमारे क्या विचार हैं, भाजपा जो है वादा कर रही है, काम तो कर नहीं रही। तो किस तरह, किस पार्टी को वोट देना चाहें, किसकी सरकार चाह रहे हैं बनेगी सरकार? अब ये तो जनता का मत नहीं, फिलहाल जब आप बता रहे हैं तो आप किस पार्टी को वोट चाह रहे हैं करना, किस पार्टी की सरकार चाह रहे हैं? हम तो साइकिल वोट करेंगे, साइकिल सपा को वोट चाह रहे हैं, सपा सरकार बने जी। देखिए जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि किस पार्टी, तो आइए इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं किस हिसाब से वोटिंग होगी, जनता क्या चाह रही है? वो तो चुनाव के पहले उसके रवैया पे डिपेंड करेगी। जो 4.5 साल उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्य किया वो कैसा कार्य रहा है? कार्य तो फिलहाल काफ़ी मतलब किया है, लगभग अच्छा तो नहीं रहा परफॉर्मेंस है उसकी। अब आगे जो पेपर ऊपर जैसे करवाएगा वैसे ही। देखिए बिल्कुल लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार से लोग पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। आइए हमारे साथ एक और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में दोबारा कोरोना शुरुआत है, क्या कहना चाहेंगे इससे? कोरोना से शुरुआत है, आइए एक और साथी हमारे साथ, इनसे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है 4.5 साल है उनका कार्यकाल कैसा रहा है, और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उन पर क्या विचार है? कार्यकाल तो ठीक रहा है, चुनाव की बात ये है जो यही बता रहे हैं बच्चे हैं, जो नहीं हुआ है पेपर नहीं हुए हैं, लीक हो जाते हैं। अभी TIG का लीक हो गया है, उस पर सरकार ध्यान दे, और तो ठीक है, सरकार तो बढ़िया कर रही है। इस समय हम खेत पर मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे साथ देखिए काफ़ी संख्या में लोग किसान मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि जो सरकार के 4.5 साल रहे हैं, किसान हित में रहे हैं, किस तरीके से किसान हित में रहे हैं, क्या किसानों को लाभ या नुकसान हुआ है? क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। जो उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल गुजर गए हैं, कैसी रही सरकार है? ठीक तो फिलहाल थोड़ी बहुत रही है, कुछ समस्याएँ भी है, पेट्रोल डीजल महंगाई बढ़ रही है, कड़ुआ तेल कितने 100 रुपया किलो था, वो 140 रुपया किलो हो गया, 160 में हो गया है, उसको गिराई के कुछ हल्का करिए, गरीब आदमी को गुंजाइश। 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उस पर क्या कहेंगे? उस पर जिसकी भाग होगी वो तो देखा ही जाएगा। तो देखिए इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो 4.5 साल से उसमें महंगाई जो है काफ़ी स्तर तक बढ़ी है, उसको कम करने की बात कर रहे हैं। और लोग हैं, और साथी हमारे साथ, उनसे भी बात कर रहे हैं। क्या कहना है आपका, जो 2022 में चुनाव आ रहा है, किस तरीके से जनता वोट करेगी, क्या आ रहा है? वोट तो बिहन भी है कोई ना कोई, हम तो किसकी सरकार चाह रहे हैं आपकी अच्छी बने, और किसकी सरकार बहुमत से आए और जो जनता का विकास करे? हमारी सरकार ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है अच्छी है, वो भाजपा को ही चाह रहे हैं। आइए और साथी हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमलेश कुमार है। जो विधानसभा चुनाव आने वाला है जो 2022 में, क्या चाह रहे हैं उसमें? हम चाह रहे हैं जो जानवर जो छुड़वाए नहीं है, इनका जानवर क्या पकड़ के आते ही गौशाला एक बनवाया जाए, आ तो इनका कोई व्यवस्था करी जाए। सबका किसान भाई का बहुत नुकसान हो रहा है, और मिल में थोड़ा पर्ची वर्ची थोड़ा लेट में आ रही है। चलो ये तो सरकार की मानते हैं, थोड़ा बहुत लेट सबर हो सकती है, इनको जानवर पर गौर करी जाए। देखिए ये इनका साफ तौर से कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो छुट्टा जानवर है, किसानों का पूरी तरीके से नुकसान कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है कि पूरी जो किसान है परेशान है जानवरों से, तो उन जानवरों का जो है या तो उनको पकड़ करके किसी गौशाला ले जाया जाए। और जो फिर से कोरोना आ रहा है उस पर कुछ कहना चाहेंगे? कोरोना आ रहा है, कोरोना भाई साहब हमारे यहाँ तो अभी आया नहीं है, हमारे यहाँ हमारे गांव में नहीं आया, बाकी तीर पड़ोस हो सकता है आया होगा। और विशेष डीजल और पेट्रोल पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए, जितने में चलता है उचित दाम में बेचा जाए, बहुत हम लोग परेशान हैं डीजल पेट्रोल से। देखिए कोरोना के लिए आज लखीमपुर खीरी में जो जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि 2 दिन की साप्ताहिक बंदी भी रहेगी, हाँ उस पर क्या कहना चाहेंगे? बंदी ठीक है, 2 दिन की बंदी है तो ठीक है, फिर सरकार जो कुछ करेगी वो अपने हिसाब से सही ही करेगी, गलत नहीं करेगी। सरकार देख रही है बराबर, जनता को देख रही है, मैं मानता हूँ, और हम भी फेसबुक और यूट्यूब पर हम खुद देख रहे हैं बराबर। यार फिलहाल हमें यही इतनी रिक्वेस्ट है कि डीजल और पेट्रोल पर थोड़ा रेट गिराई जाए। सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों को उतारने में
जोर लगा रही है, लेकिन पब्लिक से राय जानते हैं कि अब की बार किसकी सरकार, धार्मिक मुद्दा या विकास, ये मुद्दे हैं। दे पूछते हैं जनता से कि मुद्दे पर वोट करेंगे या विकास पर वोट करेंगे। तो हमारे साथ है भारत सेठ। भारत सेठ, आप बताएं अब की बार किसकी सरकार में जो मुद्दा है, वो मुद्दा विकास पर है या धार्मिक? देखो, मुद्दा तो होना चाहिए महंगाई पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे और चिकित्सा पे। उस पर कोई बात नहीं कर रहा। जब तक ये चीजें नहीं होंगी, विकास कैसे हो जाएगा देश का? आपके हिसाब से वोट किसको जाना चाहिए? हम तो उसको जाना चाहिए जो विकास की बात करे, विकास की तरफ ले जाए, चिकित्सा, महंगाई, शिक्षा। इस वर्तमान सरकार ने विकास नहीं किया ना? आप अगर आप पुल को बनाना, मंदिर को बनाना विकास मानते हो तो भूल है। विकास बनता है शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजगार से। वोट है वो किसके लिए जाएगा और मुद्दा क्या रहेगा आपका, विकास या धर्म? मेरा मुद्दा तो विकास की तरफ ही रहेगा, जो विकास करेगा वही राज करेगा। तो आप मानते हैं कि वर्तमान सरकार ने विकास किया है? बिल्कुल किया, 100% किया। किन किन क्षेत्रों में विकास हुआ? हर क्षेत्र में विकास किया। कौन से क्षेत्र में विकास नहीं किया? शिक्षा के क्षेत्र में किया है, सड़कों के लिए किया है, देश के लिए किया है, GDP बढ़ी है हिंदुस्तान की, और कैसे होगा विकास? लेकिन चुनावों के जब चुनाव आते हैं, चुनाव में धर्म का मुद्दा पहले उठ जाता है। धर्म का मुद्दा जब उठता है उस विषय में आप क्या कहेंगे? धर्म अपनी जगह है, मजहब अपनी जगह है, लेकिन जो विकास करेगा, जो विकास की ओर उन्मुख होगा, तो उसको ही वोट देगी पब्लिक। 70% 80% मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, तो हिसाब जो है हिसाब से अब की बार जो सरकार है वो योगी सरकार। कोरोना काल में जो मैनेजमेंट रहा, जय श्री राम, जो रिव्यू हुआ अभी आपको हमने दिखा, कोई कहता विकास हुआ, कोई कह रहा विकास नहीं, लेकिन मुद्दा विकास पर ही है। वोट जो भी होगा वो विकास पर होगा। इसी सिंह पूछते हैं, हमारे एक साथ एक सज्जन बैठे हुए, इन सज्जन से पूछते हैं, यहाँ बताइए, आप बताइए आपका नाम क्या है और चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? मेरा नाम चौधरी भगवान सिंह है। योगी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, गुंडा तत्वों को सबको खत्म कर दिया है, जो है क्या किडनैप करके ले जाते थे वो सब पे उसमें पाबंदी लगा दी है। और एयरपोर्ट भी बनना है, 2024 में तैयार हो जाएगा। राम मंदिर भी बनना है, काम चल रहा है क्या, काशी का विकास भी है क्या, बड़ा भव्य स्तर पर किया है, वर्ल्ड में माना हुआ है क्या, नाम है काशी का। बलात्कार बंद हो गए, लूट बंद हो गई, मर्डर बंद हो गए। आप ये बताइए, जो 2022 का चुनाव आएगा किस पर रहेगा, विकास पर रहेगा या धर्म पर रहेगा? विकास और बढ़िया काम किए हैं उसने, गुंडागिर्दी सबसे ज्यादा खत्म की है। चुनाव जब आते हैं तभी ये धर्म का मुद्दा शुरू हो जाता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, धर्म के साथ भी विकास भी किया है, रोड भी बनवाए हैं क्या, और गुंडागिर्दी भी खत्म की है। आगे समझ, राम लेने से पेट नहीं भरता है, पेट रोटी से ही भरता है। हाथरस कांड जो मनीषा कांड हुआ था, इस बारे में क्या कहेंगे? ये भी तो इसी वर्तमान सरकार में हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ, आने वाले सारी चीजों पे क्या है, BJP ने कंट्रोल किया है, BJP ने बढ़िया काम किया है, और किसी सरकार ने इतना बढ़िया काम ही नहीं किया है क्या। सबके एक रिकॉर्ड है पुराने, देखो साले सब पैसे खा जाते हैं, इतना है क्या, नंबर दो का फ्रॉड काम, ये अंसारी और मुख्तार अंसारी वगैरह और ये आजम खां है क्या, ये कहाँ से आ गई इनके बदौलत, ये सब फर्जी है क्या। गरीबों का माल छीन छीन के और सरकारी माल छूट के बन गए, सब अंदर ठूस दिए। बहुत बढ़िया काम किया है योगी ने। हिसाब से आपकी बार किसकी सरकार? BJP की सरकार, योगी बनेगा मुख्यमंत्री। मेरा नाम संदीप कसीरे है। सबसे बड़ी बात ये है, योगी सरकार ने विकास के साथ साथ सभी को अपनी उन्मुक्त सोच दी है। हर समाज को साथ लेके चल रहे हैं ये, हर क्षेत्र को साथ लेके चल रहे हैं, और मेरे अनुमान से करीब 70-80% ये लोग सफल भी हैं। बाद बाकी की आम जनता की राय अलग अलग हो सकती है, और वोटर हमेशा चुप रहता है, वोटर बोल नहीं पाता। 2022 का जो चुनाव है, 2022 का जो चुनाव है, ये चुनाव किस मुद्दे पर होना, धर्म के मुद्दे पर होना या विकास के मुद्दे पर? ये चुनाव देखिए, धर्म की आपका वोट विकास के लिए जाएगा या धर्म के लिए जाएगा? देखिए, यहाँ धर्म की और मजहब की जहाँ तक बात करें तो हिंदुस्तान में तो सभी संप्रदाय रहते हैं, और धर्म एक अपनी जगह है और विकास अपनी जगह है। गवर्नमेंट का भी धर्म और विकास अलग अलग दो मुद्दे हैं। धर्म के साथ साथ विकास भी होना बहुत जरूरी है। अगर सड़कों का जाल नहीं बिछेगा तो ये रोजगार की संभावनाएं कैसे बढ़ेंगी? फिल्म सिटी बनी है नोएडा के पास, तो विकास उत्तर प्रदेश का हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेस। मानते हैं कि वर्तमान सरकार ने विकास किया है जी, और विकास के मुद्दे पर ही बात करनी चाहिए। विकास कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, हमको या किसी को विकास चाहिए। भारतवासी का हर एक का यही कर्तव्य है कि विकास की ओर उन्मुख हो,
किसी भी धर्म या संप्रदाय की तरफ उन्मुख ना हो। तो आपके हिसाब से अब की बार किसकी सरकार? अब की बार योगी सरकार। जय श्री राम। भैया विकास कहाँ हुआ? विकास हुआ पेट्रोल पे, विकास हुआ डीजल पे, जिसे सबसे ज्यादा किसान वो करता है, विकास हुआ बीज पे, विकास हुआ खाद पे, जो 50 का कट्टा मिलता था 50 किलो का वो 45 का कर दिया, रेट उसके हाई कर दिए, खाद मिल नहीं रही, बिजली के बिल जो है हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है, और कहीं के देखते हुए तेल महंगा, महंगाई पे ये होना चाहिए, गरीब आदमी पिस रहा है, मर रहा है, और मध्यम वर्गी का सबसे ज़्यादा मरना है। इस सरकार ने कोई इस तरह का विकास नहीं किया, ये खाली नाम बदलने से विकास नहीं होता है। हमारे ये इतिहास में है कि हाँ मुगलों ने हम पे शासन किया था, इसे कोई मिटाया नहीं जा सकता है किसी भी तरह से। अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, इसे मिटाया नहीं जा सकता है। ये हमारे जो कांटा है ये हमें हमेशा चुभता रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता इतिहास से। तो कौन इनका बीजेपी का ये नारा है कि सबका विकास और सबका साथ और सबका विश्वास। भैया किसका विकास हुआ है? अडानी जी का और अंबानी का विकास हुआ है, उनकी कितनी संपत्तियां बढ़ गई, आम आदमी के लिए तो बहुत महंगा हो गया। आज दिवाली पे हमने 200 रुपये सरसों का तेल दियो जलाने के लिए किया था, 200 रुपये का तेल लेकर के आए थे, 200 रुपये लीटर का तेल, क्या मतलब है? और सरसों किसान उगाता है, किसान देता है, और ये व्यापारी लोग जो है उसके इतने ऊंचे भाव कर देते हैं। कहाँ विकास हुआ है? कौन सी जगह ऐसी है, एक विकास की जगह बता दीजिए। घोषणा हुई फिल्म सिटी की, अभी तक बनी नहीं। राम मंदिर की घोषणा हुई, अभी तक कुछ नहीं है। ये जेवर एयरपोर्ट अभी घोषणा हुई है, केवल घोषणाएं की हैं, कोई विकास कहीं भी नहीं हुआ है 1% भी। मेरे जो रास्ता है मेरी गली में चल करके देख लीजिए, अगर जरा सा चूक जाए तो आदमी के हाथ पांव टूट जाते हैं। ये पूर्व कांग्रेसी नेता है, इनका नाम है भारत सेठ, इनसे जानते हैं कि इनकी राय क्या है कि जो बच्चे की उम्र, जो लड़की है उसकी उम्र 21 साल कैबिनेट में अभी पारित होना है, जो मंजूरी मिलनी है, सही है या गलत है इनके हिसाब से बात करते हैं। ये बिल्कुल सही है, उसका कारण है बच्चे को पढ़ने के लिए समय मिलना चाहिए, परिपक्व हो जाता है, अच्छा बुरा सोचने लगता है। अब जिस छोटे बच्चों की शादी करने से बच्चे को मालूम ही नहीं होता है मेरे संग क्या हो रहा है। लेकिन और राजनीतिक दल है, उन लोगों के मंत्रियों ने, देखिए ये उनकी उनकी व्यक्तिगत राय होगी, सामाजिक राय के हिसाब से जो आप समाज में जाएंगे तो हर आदमी ये चाहेगा कि बच्चा समझदार हो जब उसका विवाह हो, बच्ची हो या बच्चा हो, और 21 साल की उम्र जब होगी तो बच्ची को ना कोई पढ़ाएगा। अब क्या है कि आदमी क्या करता है, पढ़ाता है नहीं उसको, और लेकर हाथ पीले कर दिए, उसको पता ही नहीं है जीवन कैसे जीना है। नहीं, वैवाहिक जीवन के लिए जैसे लड़के की उम्र 21 साल उनको बालिक माना है, लड़के की उम्र शादी के लिए, और लड़की की उम्र 18 साल, तो अच्छा किया ना बढ़ा दिया, दोनों के 21 साल है। हाँ, तो उसमें लड़की को ही 18 साल पहले क्यों रखा गया था? 21 साल क्यों? एक जमाना यह था कि 12-14 साल की ब्याह जाती थी। समय के हिसाब से परिवर्तन होता है कि नहीं? पहले वो कन्या का दान होता है, और रजस्वला होने से पहले कन्या दान की हमारे शास्त्रोक्त कहती है कि लड़की के रजिस्ट्रा होने से पहले उसकी शादी हो जानी चाहिए, उसको कहते हैं कन्यादान। अब कोई कन्यादान नहीं होता है। हाँ। और देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये बहुत स्वागत योग्य जो है कार्य है कि 21 साल की लड़की की जाए और 21 साल ही लड़का की कर दी जाए, और दोनों बराबर के होंगे, दोनों मैच्योर होंगे, और दोनों अपनी जो है परिस्थिति को देखते हुए। आज की परिस्थिति यह है कि एक की कमाई से कोई घर नहीं चलता है। पहले यह था कि एक कमाता था और 10 खाते थे, लेकिन अब की परिस्थिति ऐसी है कि जो जहां है उसको काम करना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आधुनिकता के दौर में पढ़ना लिखना भी जरूरी है और मैच्योरिटी आना भी जरूरी है, एक पारिवारिक सामंजस्य बनाना भी जरूरी है। तो 18 साल की उम्र से 21 साल की उम्र बढ़ाना मेरे हिसाब से आधुनिकता के हिसाब से सही कदम है, स्वागत योग्य कदम है कि सरकार ने जो कदम उठाया है वो सही है एकदम। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, बाकी आम राय सबकी अलग अलग हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं बातों में, पर
आज के समय और परिस्थितियों को देखते हुए अगर बच्चे मैच्योर होकर कोई काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा और मैच्योरिटी बढ़ेगी उनकी। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।